देख रहे हैं जनमन की पुकार न्यूज। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भाई पंकज गुप्ता जी, सिवा मार्केट पीतमपुरा में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया, इससे प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों को आने जाने में फायदा मिलेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह व चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी पंकज गुप्ता ने विधायक जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को खूब सराहा। आइए आपको सुनवाते हैं विधायक जितेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। अशोक भाई को वहां से बनारस से 300 किलोमीटर के लिए पैदल चलकर उन्होंने गांव-गांव में जाके लोगों की परेशानियों को देखा, उनके लोगों से मिले, उनसे पूछा और बनारस से लेके बलिया तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा की। तो मेरा भी मन था कि मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, तो मैं जब शुभारम्भ था तब भी गया और जब समापन था तब भी गया, तो मेरे पास भी समय नहीं था और भाई साहब के पास भी समय नहीं था उन दिनों में। तो हमने तय किया कि जैसे ही हमारी ये जन अधिकार पदयात्रा खत्म होगी उसके तुरंत बाद का शिलान्यास करेंगे। और इसकी सूचना मैंने आपको नरेंद्र भाई आपको भी दे दी थी, जगवान भाई आपको भी दे दी थी, आपने लाल बहादुर जी कहाँ बैठे पंडित जी सबको दे दी थी मैंने कि भाई अब 11 तारीख को करेंगे, 10-12 दिन की हमको मोहलत दे दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे 40 महीने के कार्यकाल में, करीब 40 महीने हो जाएंगे, फरवरी 2015 में मैंने कार्यभार संभाला था, ये 4 फुट ओवर ब्रिज जिसमें 2 तैयार हैं जो चालू कर दिए, इनका उद्घाटन कर चुका हूं मैं। एक राजा नाहर सिंह मार्ग रोड नंबर 37 है जो कन्हैयागढ़ मेट्रो स्टेशन के पास है, जो त्रिनगर को वजीरपुर से जोड़ती है, वो फुट ओवर ब्रिज मैंने शुरू करवा के बनवा के उसको जनता को समर्पित कर चुका हूँ। एक फुट ओवर ब्रिज जो नेताजी सुभाष प्लेस है, आपका ये जो रोड है रोड नंबर 41 जो वजीरपुर डिपो से मधुबन चौक के लिए आता है, इस रोड पर एक जो कि नेताजी सुभाष प्लेस मेरी विधानसभा क्षेत्र को पीतमपुरा से जोड़ता है, वो फुट ओवर ब्रिज बनाकर जनता को समर्पित कर चुका हूँ। और ये तीसरा फुट ओवर ब्रिज आज है जिसका शिलान्यास आज भाई संजय सिंह जी करने जा रहे हैं, भाई पंकज गुप्ता जी करने जा रहे हैं, ये आज शुरू हो जाएगा। बीके सिंह जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका 9 महीने का टाइम तो है लेकिन 6 महीने में पूरे करके देना है, ये हम और आप सब मिलकर करेंगे ताकि हम 6 महीने के अंदर, क्योंकि अब 7वां महीना है, अभी हम चाहते हैं कि पहला महीना जब जनवरी का आए एक शानदार तोहफा मिले तमाम क्षेत्र के लोगों को कि जनवरी के अंदर हमारा ये फुट ओवर ब्रिज चालू हो यहाँ से। और तमाम जो लोग परेशान हैं यहाँ पर, हज़ारों लोग, ये सिवा मार्केट इसमें हज़ारों लोग काम करते हैं जो बुद्ध विहार की तरफ से आते हैं, उन सबको आने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया लिफ्ट भी लगेगी इस अंदर, बहुत बढ़िया साइकिल का रास्ता भी है और जहाँ साइकिल का बाइक का अपने आप बना लेते हैं लोग, भाई साइकिल का रास्ता हम जाके दे रहे हैं, इसके बाद बाइक निकालो हम मना नहीं करेंगे। तो और चौथा फुट ओवर ब्रिज मैं कहना चाहता हूँ, आज अखबार पढ़ा हुआ आपने, आज से 15 दिन पहले आपने दिल्ली के अंदर 7 फुट ओवर ब्रिज पास हुए हैं, 7 फुट ओवर ब्रिज पास हुए हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें एक आपका ये बन रहा और एक आपका पास हो गया जो बनेगा शगुपुर गांव में। और एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल से पास हुआ वो, एक यूटी पैक संस्था होती है पंकज जी, जिसमें जो मल्टीपल एजेंसी होती ना, और दुर्भाग्य ये था कि उस टाइम वो जब कोर्ट का आदेश आ गया था पहले हाई कोर्ट का कि एलजी साहब बॉस हो गए, तो यूपी पैक में डीडीए के लोग होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं जो कमेटी पास करती है, पीडब्ल्यूडी भी होती है उसके अंदर, एलजी हाउस के लोग भी होते हैं। तो मैंने 2 फुट ओवर ब्रिज शिकोपुर गाँव के लिए प्रपोज किए और धूप में, मैं उस टाइम गर्मी थी 45 डिग्री की टेम्परेचर, मैंने कहा इस टाइम चलेंगे, वहाँ दौरा करने पहुँच गई यूटी पैक की पूरी टीम आ गई। अब वहाँ पर क्या है कि एक तो फ्लाईओवर है, वो आपने देखा होगा 100 साल पुराना है पठानिया चौक से जो फ्लाईओवर है वो दादा आजम के ज़माने का है, नरेंद्र भाई आपको बताओ गाँव के लोग, आप तो शगुपुर गांव से जो दादा देवता मंदिर के बीच का है उसके नीचे एक सुरंग है, वो सुरंग अब बहुत छोटी हो गई है, उसके ऊपर 15-20 फुट जो है वो है सीमेंट है, उसके बाद फिर फुट ओवर ब्रिज है और उसके ऊपर मेट्रो है। भाई साहब पहले सड़क फुट फिर फुट ओवर क्या बना ये जो फ्लाईओवर उसके ऊपर मेट्रो, अब उसके बीच से निकालना था, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये कैसे हो जाएगा। मैंने कहा यही तो होना है, नहीं तो 4 घंटे में और आप यहाँ खड़े रहेंगे, लोग गिनिए अगर 5,000 से कम लोग निकले यहाँ से तो ये ब्रिज नहीं बनेगा, अगर 5,001 निकल जाए तो ये ब्रिज बनेगा हालत के अंदर। तो वो जिद
ईश्वर ने सुन ली और पूरी हो गई और वो भी पास हो गया। अखबार में आपने पढ़ा हुआ, ऐसे 15-20 दिन पहले आया था कि शगुपुर गांव का फुटओवर भी पास हो गया, 7 दिल्ली में हो, जिसमें एक आपका वो भी है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो जरूर पूरी हो। जो साथी यहाँ खड़े हैं उनसे निवेदन, आ जाओ जल्दी से, बाकी खड़े सब लोग आ जाओ कुर्सी पर, आ जाओ उधर प्लीज, आ जाओ धूप में मत खड़े हो। एक और बहुत खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कोहाट का मेट्रो स्टेशन है, जो मेट्रो का जो इनका जो कानून है उसमें ये है कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पे एक तरफ लिफ्ट लगाएंगे ये। तो जब भी ये मेट्रो स्टेशन बना था, जो भी विधायक थे यहाँ के या वहाँ के, जो ज़्यादा एक्टिव रहा हो अपने बुला के ले गया, यानी कि त्रिनगर विधानसभा की क्षेत्र की तरफ आपकी लिफ्ट नहीं बन पाई। जो लिफ्ट बनी वो बनी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के बीजेपी के MLA साहब हुआ करते थे। अब क्योंकि जब मैं बना विधायक, तो तमाम लोग क्षेत्र के, क्योंकि पूरा एरिया, चाहे वो कोहाट इंक्लेव हो, चाहे कपिल विहार हो, चाहे लोक विहार हो, चाहे संदेश विहार हो, चाहे हर्ष विहार हो, चाहे इंजीनियर्स इंक्लेव हो, तमाम वहाँ के सीनियर सिटीजन, संदेश विहार के, रोहित कुंज के, तमाम सीनियर सिटीजन्स का लगातार मुझे फ़ोन आते थे। जब भी मैं मीटिंग में जाता था मुझसे बात करते थे, कहते थे कि हमने क्या बिगाड़ा है, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम कैसे चल के जाएँ, 40-45 मीटर जाना पड़ता है, चल के ऊपर चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों से, तब जाके हम जो है मेट्रो पकड़ पाते हैं, हमारी लिफ्ट लगवा के दो आप। ये बात 3 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको। उस टाइम में मैं मिनिस्टर था, मैं उस टाइम तो मैंने बुलाया, DMRC को बुलाया, इन सबको बुलाया, तो उन्होंने मुझे एस्टीमेट बना के दिया उस टाइम 26 लाख रुपये का भाई साहब, कि 26 लाख रुपये आप दे दो, हम आपको ये लिफ्ट लगा के दे देंगे। अब मेरे पास 26 लाख रुपये नहीं हो पाए, ईमानदारी की बात है, क्योंकि 4 करोड़ में 26 लाख वादे देता, बहुत सारी डिमांड थी, नया नया विधायक बना था, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, सड़क गलियों की, नालियों की, पानी की, मैं नहीं कर पाया। अगले साल मैंने दोबारा उनको प्रपोजल दिया, तो वो एस्टीमेट हो गया 44 लाख रुपये का, थोड़ा एडिशन हो गया, डिज़ाइन भी मैंने थोड़ा चेंज कराया उसके अंदर, थोड़ा बढ़िया करवाया, क्वालिटी भी बढ़िया करवाई थोड़ी सी लिफ्ट की, 44 लाख का हो गया। सस्ते हुए कि वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि 44 लाख रुपये फिर 4 करोड़ में 44 लाख रुपये अगर लिफ्ट में दे दिए जाएँ तो बाकी जनता का क्या करूँ। मेरे पास तो रोहतक रोड से लेकर मधुबन चौक तक का पूरा ऐसा इलाका है, बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, बहुत लोग हैं, सब लोगों से, और वो विधायक तो बच जाते हैं जो मिलते नहीं है किसी को, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा बच भी जाता है। विधायक मुझे दिक्कत है कि मैं हर रोज 15 घंटे लोगों से मिलता हूँ, मुझे दिक्कत है कि लोगों को जवाब देना पड़ता है, मैं वो भी नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन संजय सिंह जी राज्यसभा के सदस्य बने, मैंने मन में एक बात सोची, मैंने कहा अब तो ये लिफ्ट लगवा के मानूंगा। मन में सोचा उस दिन जिस दिन मैं वहाँ था, जब सर्टिफिकेट मिल रहा था भाई साहब को, इनको तो ये जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे पूरे देश की बात करनी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में जाके देश की बात करनी है, और मेरा मन गुदगुद कर रहा था अंदर से कि अब तो मैं 50 लाख में भाई साहब से ले ही लूँगा, अब तो मैं ये लिफ्ट लगवा ही लूँगा। और मैंने तुरंत DMRC से बात की, उन्होंने मुझे 49,31,000 रुपये का एस्टिमेट दिया, समय के साथ रेट भी बढ़ गए, चीज़ें बढ़ गई, और मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किया भाई साहब से कि मैं लेके आ रहा हूँ वो। इन्होंने मुझे कहा कुछ काम वाम करवाने थे करवा ले तू यार, मैंने कहा वो तो करवाऊँगा ही, लेकिन बताया नहीं मैंने क्या करवाऊँगा, क्योंकि मैंने बोला 50 लाख तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने चिट्ठी विट्ठी तैयार करवाई, एस्टिमेट तैयार करवाया, फ़ोन किया, भाई साहब घर पे हो? बोले हाँ घर पे हो, आ जा। मैं घर पे जाके चिट्ठी दे दी हाथ में, मैं कहा लो जी क्या है, मैं कहा पढ़ लो। बोले 50 लाख तो तू ही ले जाएगा, 5 करोड़ में इतना बड़ा दिल्ली है, मेरे पास तो 23 विधानसभा है, तो क्या कर रहा है ये? मैंने कहा जी 3 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं विधायक बना था, मुझे पता था राज्यसभा के मेंबर तो बनने ही बनने हैं, और आपको बनना ही बनना है, तो मैं तो 3 साल से इंतजार कर रहा था कब आप राज्यसभा के सांसद बनो और कब हमारे लोगों को लिफ्ट मिल जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई संजय सिंह जी को, एक सेकंड लगाया उन्होंने, अजीत भाई यहाँ पर होंगे अभी, अजीत भाई को बुलाया, चिट्ठी दे के भाई जितेंद्र भाई को दे देना, चिट्ठी बना के दे दो, प्रपोजल भेज दो SDMC को, और ये पैसे ट्रांसफर कर दो DMRC को। तो मैं बहुत धन्यवाद संजय सिंह का करना चाहता हूँ, और बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि ये संभव हो सका, सिर्फ इसलिए कि 50 लाख रुपये भाई साहब ने अपने जो इनका MPLAD फंड होता है उससे कोहाट त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र को दिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमको दिए, मुझे दिए, यानी आप सब लोगों को दिए, इसलिए बहुत बहुत बधाई।
मैं ट्विटर पे बहुत सारी वो चलती रहती है, बहुत सारे वॉरियर्स काम करते हैं उस पर, तो मेरा क्योंकि मेरी एक जिद है कि मैं एक महीने में दो काम जरूर शुरू करूँगा, एक हफ्ते में, एक महीने में मुझे 8 काम करने हैं। जब भी कोई हफ्ता ऐसा होता है जिसमें मेरा उद्घाटन एक रह जाए तो मैं इन दोनों को बिठा लेता हूँ साथ में और दोनों तीनों बैठ के बात करते हैं, सोचते हैं बताओ अगला काम क्या, जो हम क्यों नहीं शुरू कर पाए। और एक बात यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो काम आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, जब भी कोई उद्घाटन करता हूँ उद्घाटन तब करता हूँ जब 80% काम पूरा हो गया होता है। कभी आज तक शिलान्यास करने पड़ते हैं ऐसे कि फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास होगा? शिलान्यास किए मैंने 4-5, 3 कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं मेरे, बन के तैयार है, करीब करीब 90% काम हो गया है, उनके शिलान्यास किए। लेकिन कभी भी जो तमाम 10 लाख 20 लाख के काम जो होते हैं कभी मैंने उनका शिलान्यास नहीं किया, जिस दिन उद्घाटन किया उस दिन काम शुरू हुआ। या कोई सड़क बन रही है तो सड़क जब तक 80% पूरी नहीं हो गई तब तक मैंने उद्घाटन नहीं किया उसका। और मैं मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि पिछले 40 महीने में मैंने 400 से अधिक काम पूरी विधानसभा में किए। और आज इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ पूरे देश के अंदर 4120 विधायक हैं, किसी का भी आप निकाल के ले आना, अगर किसी ने 400 काम अपने क्षेत्र में 40 महीने में किए हो तो विधायक ही छोड़ के चला जाऊँगा। और अभी 20 महीने और है, 20 महीने में 300 काम तैयार है मेरे पास, अभी 170 काम तो ऐसे हैं जिनको जो तैयार है, जिनको मैं इस साल में करने हम लोग करेंगे मिलकर। तो मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने दोनों साथियों को जो मेरे राम और श्याम हैं, अशोक गंगवाल और राजीव यादव, बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि इनको पहले से मैंने सिखा दिया था कि मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई संजय सिंह ने इनको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा भाई साहब दो ये लड़के देखो काम करते हैं, इनको टिकट दे दो, बोले चलो दे दी जा, लेकिन काम ऐसे करेंगे, गारंटी है इस बात की? मैंने कहा जी बिल्कुल गारंटी है। और भाई साहब आज सामने खड़े हैं, आपके काम वही कर रहे हैं जो आपने कहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विकास की रफ्तार है वो जिस तेजी से चल रही थी वो और तेजी और बढ़ाएंगे उसको। और मेरा टारगेट है कि जिस दिन 5 साल पूरे होंगे, मैंने 2 साल पहले किताब निकाली थी उसमें मेरे 150 काम थे 2 साल के, अब मैं 4 साल पूरे होने पे किताब निकालूंगा जिसमें 400 काम होंगे पूरे, 400 काम का पूरा विवरण दूंगा आपको, उसका नेम ऑफ वर्क, उस कितने मीटर काम हुआ, कितने पैसे का काम हुआ, कब काम हुआ, कितनी इसकी पेमेंट हुई, कब पेमेंट हुई, पूरी डिटेल रखता हूँ उसके अंदर मैं पूरे सबूत के साथ, पूरे फोटोग्राफ्स। और आप सब लोग उसमें होते हैं उद्घाटन, क्योंकि मैं जब उद्घाटन करने जाता हूँ तो मेरी आदत है मैं अपने साथ वॉलंटियर्स की भीड़ लेके नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा एक साथी जाता है रवि, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा ड्राइवर भी है, मेरा वॉलंटियर भी है, मेरा फोटोग्राफर भी है, बाकी तमाम लोकल लोग होते हैं। आप भी देखते होंगे पीतमपुरा गांव में आता हूँ मैं, कहता हूँ आप 50 हो जाओ, 40 हो जाओ, 60 हो जाओ, मैं तो भाई 2 लोग आएंगे सिर्फ। तो आप सबकी फ़ोटो भी लगा रखी किताब में ताकि आप इसके साक्षी रहें कि भाई हाँ भाई मैं भी था, मैंने इसका उद्घाटन किया था, मैंने इसका नारियल तोड़ा था। तो जब 5 साल पूरे होंगे तो मैं आपको 500 काम की किताब दूंगा और 500 काम उसके अंदर लिखे हुए उनके सबूत होंगे, उनकी उनके पूरा विवरण होगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को तय करना है कि मुझे रिवैलिडेट करना है नहीं करना है, और पार्टी को तय करना है, संजय सिंह जी को और पंकज गुप्ता जी जो हमारे प्रभारी जी, इनको तय करना है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करके 500 काम करके दिखाऊंगा। मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई संजय सिंह जी का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद, वो तो एक जुनून होता है उस टाइम, जुनून तो है, ये जुनून तो इनके अंदर है, नहीं तो कोई राज्यसभा का मेंबर बनता है वहाँ नॉर्थ एवेन्यू में बैठ के वहाँ बात करता है इसी में, वहीं से सारा सोशल मीडिया से और मीडिया से राजनीति होती है। लेकिन तुरंत उतर पड़े ये मैदान में और 27 जून से लेके 13 जुलाई तक लगातार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज पैदल जाके लोग पैदल चल के गाँव गाँव जाके लोगों से उनकी समस्याएँ पूछी, उनकी समस्याएँ देखी, देश को देखा, उत्तर प्रदेश को देखा, नज़दीक से देखा, उसको समझा ताकि उनकी आवाज़ को, उसके दर्द को राज्यसभा के अंदर उठा सकें। और जब उनका आज ही सीधे आ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश से सीधा, अभी घर नहीं गए हैं, सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए। अजीत भाई को मैंने कहा भाई सीधे ही लेके आ जाना, घर बाद में चले जाएंगे, बहुत दिन हो गए इतने दिन से नहीं गए, तो और सही 2-4 घंटे की बात है। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।